हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू संस्कार पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज हम हिंदी भाषा सागर में पाठ 3 पेड़ पौधों में जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ये पेड़ पौधे हमें हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं और ये हमें क्या क्या देते हैं। पशु पक्षी और हम मनुष्यों की तरह पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, उन्हें भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव होता है। साथ ही पेड़ पौधे परोपकारी भी होते हैं, उनका संपूर्ण जीवन ही दूसरों के लिए होता है, इसलिए हमें उनकी सुरक्षा व देखभाल करनी चाहिए। आइए, इस पाठ में हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे। गर्मी का मौसम था, रात के 10 बज रहे थे। बिजली कट जाने के कारण मनोज एवं उसकी बहन रुचिका अपने माता पिता के साथ आंगन में बैठे थे। अचानक रुचिका क्यारी में लगे पौधों को हिलाने लगी। उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटी, इस समय पौधों को नहीं छेड़ना नहीं चाहिए, पौधे इस समय सो रहे हैं। रुचिका पौधों को हिलाती हुई हंसकर बोली, पौधे भी कहीं सोते हैं? तब उसके पिताजी बोले, हाँ बेटी, पौधे भी हमारी तरह सोते और जागते हैं, सांस लेते हैं, इसलिए अब पौधों को हिलाना बंद करो। मनुज को अपने पिताजी की बात सुनकर पेड़ पौधों के बारे में जानने की उत्सुकता हुई। वह तुरंत अपने पिताजी के समीप आ गया, फिर पूछने लगा, पेड़ पौधे कैसे खाते पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं? हमने तो ऐसा करते हुए उन्हें कभी नहीं देखा। रुचिका भी पौधों को हिलाना छोड़कर पिताजी के पास आकर बोली, बताइए ना पिताजी। पिताजी बताने लगे, कई वर्ष पहले लोग यही समझते थे कि पेड़ पौधों में जीवन नहीं होता है, परंतु बाद में वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने यह सिद्ध कर दिया कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है, वे सभी खाते पीते हैं, सोते हैं। रुचिका, तुम जब गुलाब के पौधों से उसके फूल तोड़ लेती हो तब तुम्हें तो मज़ा आता है, लेकिन गुलाब का फूल मर जाता है। तुमने देखा होगा कि थोड़ी देर बाद ही वह फूल मुरझा जाता है, जिसके कारण उसकी पंखुड़ियाँ गिरने लगती हैं। जानती हो क्यों? जब वह पौधे से जुड़ा हुआ था तो उसे भोजन और पानी मिलता था। डाली से टूटकर फूल को भोजन नहीं मिल पाता है और वह निर्जीव सा हो जाता है। मनुज, तुमने तो अपनी विज्ञान की पुस्तक में पढ़ा होगा कि पौधे के 6 अंग होते हैं, जड़, तना, शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल। जो काम मुंह हमारे लिए करता है वही काम पेड़ पौधे जड़ें पौधों के लिए करती हैं। जड़ें धरती से खनिज लेकर पौधों को देती हैं और जमीन पर मिट्टी को मजबूती के साथ जकड़कर पौधे को खड़ा रखती हैं। दोनों बच्चे पिताजी की बातें बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। रुचिका ने पूछा, अच्छा तो पौधे सांस कैसे लेते हैं? पिताजी बोले, पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके द्वारा ही पौधे सांस लेते हैं। यदि तुम किसी पौधे को कांच के बर्तन में से ढक दो कि उसे हवा न मिले, तो तुम देखोगे कि कुछ समय बाद वह मुरझा जाएगा। पत्तियां ही सूर्य की गर्मी में हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाने का काम करती हैं। थैंक यू।